कोरोना की जानकारी के लिए मैं जन साधारण को जो बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कई रूप हैं। हर मरीज इससे एक जैसा प्रभावित नहीं होता और ये पता भी नहीं चलता कि कौन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हम सबको बच के रहने की जरूरत है। जो इसकी सावधानियां हैं कि आप मास्क लगाएं या शील्ड लगाएं और बार बार हाथ धोएं, हाथ चेहरे को हाथ न लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इसकी कमी होने से ही आज हमारे छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा मरीज हो रहे हैं। इसके साथ ही जब हम सावधानी भी नहीं रखते हैं उसके बाद यदि हमें माइल्ड डिजीज होती है, मतलब हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ है ही नहीं और हम किसी तरह की सावधानी नहीं बरतते हैं। टेस्ट देने के बाद भी यदि पॉजिटिव होता है तो सोचते हैं हमें कुछ नहीं है। और दूसरे एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जिन्हें पता ही तब चलता है जब उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो जाती है और उसके बाद उन्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह आपसे ये होगी कि आप इस बात का इंतजार ना करें कि आपको बहुत सीवियर डिजीज हो। बचाव ही इससे सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है। यदि आज आप असिम्प्टोमेटिक भी हैं, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो लगभग 6 महीने बाद लंग्स पर इसका असर देखा जाता है, जो चाइना में हमें देखने मिल रहा है। इसलिए थोड़ा डरिए, अस्पतालों की तरफ मत भागिए, अपने घर में खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। बाजार यदि हमने 1 साल नहीं घूमा तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता कान नाक गला विशेषज्ञ हूँ। हर गले का दर्द, सर्दी खांसी बुखार कोरोना संक्रमण नहीं है। अपने मन से घबराहट निकाल दीजिए, अपने चिकित्सक के पास जाइए, परामर्श लीजिए। सामान्य दवाओं से जब 4-5 दिन में बुखार नहीं उतरेगा, सर्दी खांसी कम नहीं होगी, तो आपको कोरोना टेस्टिंग की जरूरत है। चिकित्सक के परामर्श के बाद नजदीकी टेस्टिंग सेंटर में जाकर टेस्ट कराइए। घर में रहकर रिपोर्ट का इंतजार करिए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके चिकित्सक आपको अपनी निगरानी में रखकर इलाज करेंगे और जरूरत पड़ने पर जब कहां पर इलाज कराना है यह परामर्श देंगे। कोरोना से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे सांस में दिक्कत होना, बुखार होना, सर्दी खांसी होना या सूंघने की क्षमता में कमी पाया जाने पर कोरोना की जांच करवानी चाहिए। सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट लेबोरेटरीज में इसकी उपलब्धता उपलब्ध है और इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोविड पॉजिटिव भी आता है तो भी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अधिकांश केस में 90% से ऊपर में मरीज ठीक हो जाते हैं। केवल कुछ मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत और वेंटिलेटर की जरूरत और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। अगर डर के मारे हर आदमी अस्पताल में जाके भर्ती होने लगेगा तो जब सीरियस मरीज के लिए जब जरूरत होगी तब बिस्तर की उपलब्धता में दिक्कत आ सकती है। कोरोना से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी ही केवल बचाव है, इस पर ही ध्यान देना जरूरी है। कोरोना मरीजों की संख्या अपने प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप सभी को मालूम है और काफी समय से सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमको इससे कैसे बचना है। सभी को मालूम है कि मास्क का इस्तेमाल करना है, सभी को मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लेकिन ये देखा गया है कि इस तरह की सावधानियां लोगों के द्वारा नहीं बरती जा रही है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। मास्क का उपयोग चाहे अपने सार्वजनिक स्थान में हो, चाहे अपने दुकान में हो, चाहे क्लिनिक में हो, हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इवन यदि आप घर पे भी हैं तो भी आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वैसा ही पालन करना जरूरी है। यदि किसी मरीज को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं जिसकी भी जरूरत नहीं है। अधिकतर पेशेंट्स का इलाज उनके घर में रहकर के ही किया जा सकता है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू कर दिया है। होम आइसोलेशन जिसको हम कहते हैं कि होम आइसोलेशन में रहकर के किसी
डॉक्टर के क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में आप दवाइयां लेते रहें, आपको जो परहेज बताया जाता है, आइसोलेट कैसे रहना है, क्या सावधानियां रखनी है जो आपको बताया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो फॉलो करिए और आप घर पे ही अधिकतर पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। कुछ एक पेशेंट रहते हैं जिनको कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये भी देखा गया है कि बहुत से मरीज पॉजिटिव आने के कारण पैनिक भी हो जाते हैं और टेस्ट कराने बहुत सारे टेस्ट कराने लगते हैं, शायद उनको उसकी जरूरत भी ना हो। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो बिना किसी डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह के बिना ना किसी प्रकार का टेस्ट कराएं और ना ही पैनिक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो फ्री जैसा सलाह देता है कि होम आइसोलेशन में रहना है आपको, ये टेस्ट कराना है या एडमिट होना है, उसी के हिसाब से फिर उसको फॉलो करें।